आज की इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आप अपने फ़ोन का नोटिफिकेशन बार कैसे चेंज करेंगे, हाउ टू चेंज नोटिफिकेशन बार एनी एंड्रॉयड डिवाइस। आपका फ़ोन कोई से भी कंपनी का कोई फ़र्क नहीं होने वाला, बस आपका फ़ोन एंड्रॉयड होना चाहिए और वो भी एंड्रॉयड 10। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन का नोटिफिकेशन बार कैसे चेंज करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नोटिफिकेशन बार होता क्या है। तो आप सबसे ऊपर देख रहे हो ना, ये जो है इसे हम नोटिफिकेशन बार कहते हैं। यहाँ हमारे वाईफाई वगैरह, ये आपको यहाँ टॉर्च वगैरह बहुत काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं और ये गैस काफ़ी ज़्यादा ओल्ड भी हो चुका है। तो जो मैंने अभी आपको वीडियो के थंबनेल में जो आपने देखने को मिला है ना नोटिफिकेशन बार, गैस ये लेटेस्ट है, ये मैंने अभी खुद ही कस्टमाइज़ करा। ये आप अपने फ़ोन में लगा सकते हो, वो भी बहुत ही आसानी से। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक, एंड तक, बिना स्किप करे, ताकि आप अच्छे से समझ जाएँ, क्योंकि उसे मैंने खुद ही कस्टमाइज़ करा है। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, 1 लाख जरूर करना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 100 लाइक है, जल्दी से कंप्लीट कर देना। सिर्फ 100 लाइक आप कंप्लीट कर दोगे मुझे पता ही है। तो चलते हैं सबसे पहले प्ले स्टोर पर। यहाँ से आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, इसका नाम है MI कंट्रोल सेंटर। तो गाइस आप ये मैं सोचना कि मैं आपको MI का कंट्रोल सेंटर बताने की कह रहा हूँ, नहीं। गाइस ये एप्लीकेशन बहुत बेस्ट है, इससे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो नोटिफिकेशन बार। तो चलिए ऑन करते हैं और यहाँ से मैं आपको परमिशन से दिखाता हूँ, अलाउ और SVLT को भी अलाउ देना है आपको। यहाँ देख लेना है कहाँ पर है, ये अलाउ दे दिया MI कंट्रोल सेंटर को। बैक आ जाते हैं, नोटिफिकेशन को भी अलाउ देना है यहाँ पर MI कंट्रोल सेंटर को। इतना करने के बाद फिर आपको जो सबसे पहले देखने को मिलेगा ये होगा MI कंट्रोल सेंटर MI 12। तो गैस ये है, देख लिया, ये भी गैस ऑल वर्किंग है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कस्टमाइज़ कैसे करें इसे। सबसे पहले आपको आ जाना लेआउट पे। लेआउट पे आ जाने के बाद सबसे जो मैंने आपको वीडियो में थंबनेल में दिखाया वो कैसा है, वो हमारा ये वाला लगा हुआ ये आइकन आपको सेलेक्ट कर लेना है, इसको आपको 1 कर देना है और ओके कर देना है। इसको आपको 4x4 करना है, ओके। तो गैस आधा हमारा काम हो चुका है, आप देख सकते हो ये हमारा मोबाइल डेटा आ चुका है। अब हमें थोड़ा नीचे कर देते हैं और यहाँ पर आप ये छिड़िया इसे आपको 50 कर देना, 50 ओके कर देना। साइज़ थोड़ा ख़राब हो गया होगा, सही है। तो अब यहाँ से आपको जैसे मैंने इसको अपना नाम दिया था नोटिफिकेशन बार, आप कुछ भी दे सकते हैं। जो आपने मेरे थंबनेल में देखा आपने नोटिफिकेशन बार देखने को मिला होगा, तो मैं नोटिफिकेशन बार लिख देता हूँ। फिर बैक आ जाते हैं, बैक आ जाने के बाद आपको कलर पे जाना है। कलर पे आ जाने के बाद ये आपको अपने मनपसंद का आप कलर चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसे बैकग्राउंड कलर को शायद ये कलर दिया था और एक्टिव को हमने ग्रीन दिया है। और बैक आ जाते हैं, बैक आ जाने के बाद मैं आपको कंट्रोल सेंटर कुछ दिखाना चाहूँगा। गाइस ये थोड़ा सा अलग हो गया है पहले से, लेकिन बहुत ही गजब है। आप किसी को क्लिक करेंगे वो ग्रीन खुलेगा, है ना कमाल का। और अगर आप शुरू में आएंगे तो आपको परमिशन देनी पड़ेगी। तो गाइस ये अभी थोड़ा सा अलग सा है, वो किस लिए, क्योंकि यहाँ पर जो शायद इसे हमें 2, 1 एंड 2 कर देना है, हाँ ओके। तो हल्की सी प्रॉब्लम आ रही थी, हाँ ये हो चुका है, यही मैंने आपको वीडियो के थंबनेल में दिखाया था। तो गैस हल्की सी प्रॉब्लम हो जाती है हमसे। तो गैस अब हम करते हैं कलर सेट, ये ढंग से ग्रीन नहीं हुआ है, अभी ग्रीन हो चुका है और ये येलो। हाँ कलर तो गैस आप कोई सा भी लगा सकते हो, तो मैंने आपको दिखा दिया है। हाँ गैस अभी हमारा पूरा सेट हो चुका है, ये गैस ऑल वर्किंग है। ये कैसे वर्क करता है, शुरू में आपसे परमिशन मांगेगा, आपको अलाउ देना है। अब हमारी ब्राइटनेस ऑटोमेटिक कम हो जाएगी क्योंकि ऑटोमेटिक लग चुकी है। तो काटते हैं, तो गाइस इस पर क्लिक करेंगे आप ब्राइटनेस कर सकते हैं सही से। और देख रहे हैं गाइस फ्लैश चल गया, फ्लैश ऑफ, तो ये ऑल वर्किंग है। तो अगर आपको ये पसंद ना आए तो आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी हट जाएगा आसानी से। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए इसे लगाने में तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना ये आपको कैसे लगी। तो गाइस इसे आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जितना आप चाहें उस हिसाब से आप खुद ही कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं और ये ऐसे यूनिक कंट्रोल सेंटर होते हैं जो आपने
खुद ही कस्टमाइज़ कर रहे होते हो तो किसी के फ़ोन में देखना मुश्किल ही है, और ये ऑल वर्किंग है, सारे काम खुद करता है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।